तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप दोबारा से उसी कंपनी में कब ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप कब ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो, एक सीधा सा पॉइंट है कि ये चीज़ ये कंडीशन पर्टिकुलर ये वेरी करती है कंपनी टू कंपनी कि आप विप्रो में काम कर रहे हो, आप एचसीएल में हो, टेक महिंद्रा में हो, अभी आईबीएम में हो, या इन्फोसिस में हो, टीसीएस में हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि सपोज आप किसी एक्स वाई जेड कंपनी में काम कर रहे हो एंड इसके बाद आपने वो कंपनी छोड़ दी, किसी एबीसी कंपनी में आप स्विच कर गए, वहाँ चले गए, एंड इसके बाद आपको लगता है वापस से कि हमें उस कंपनी में जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छा ग्रोथ था। या कई बार लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया एंड वहाँ पे कुछ हाइक ले लिया एंड इसके बाद वापस से उसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं एक अच्छे सैलरी के साथ में, एंड वापस से आके उस कंपनी पे फिर से कुछ ना कुछ हाइक ले लेते हैं। तो वो कैंडिडेट पे भी वैरी करता है कि वो आना चाह रहा है कि नहीं आना चाह रहा है, वो एक डिफरेंट पार्ट होता है, सेपरेट पार्ट होता है। बट मैं आपको बता दूं कि आपको लगभग लगभग मिड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन और अपर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, उनमें आपको मिनिमम 6 महीने का फाउंडेशन या क्राइटेरिया मिल जाएगा कि आप वापस से वो कंपनी 6 महीने तक आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। एंड ये फिर अबव हो सकता है, मिनिमम तो इतना है, मतलब 99% मैं श्योर हूँ कि मिनिमम आपको इतना मिलेगा। एंड ये अबव हो सकता है कि 6 महीने के बाद 1 ईयर हो, किसी कंपनी में 2 ईयर्स का हो, किसी कंपनी में 3 ईयर्स का हो, किसी में 5 ईयर्स का हो। इवन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं कि अगर आपने एक बार वो कंपनी छोड़ दी तो वापस से आप वो कंपनी दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, मतलब कंपनी आपको दोबारा चांस ही नहीं देती कि आप वापस से रीज्वाइन मुझे कर पाओ। तो ये डिपेंड करता है। बाकी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वर्किंग हो, तो आप चाहो तो वहाँ वहाँ से एचआर से पूछ भी सकते हो कि क्या इसके पर्टिकुलर क्या रूल्स एंड क्या पॉलिसीज हैं। तो वो चीज़ है, आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि नहीं एचआर कुछ और सोचेगा, पता नहीं कौन क्या सोचेगा, तो वो इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। आप वहाँ से अपनी एचआर से इसके बारे में कंसल्ट ले सकते हो या उनसे बात कर सकते हो कि कंपनीज के रीज्वाइन के क्या रूल्स हैं और कितने दिन बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है या क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा होगा, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। एंड वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है 199 रुपीज़। तो आपका ऐसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, हाँ मैं सिर्फ गाइड करता हूँ, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।